उत्तर प्रदेश की राजनीति में रामचरितमानस का मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है। बीजेपी और सपा के बीच चल रहे बार पलटवार के दौर के बीच बसपा प्रमुख मायावती की भी एंट्री हो गई है। मायावती ने ट्वीट कर रामचरितमानस विवाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी के साथ ही समाजवादी पार्टी को भी घेरा है। मायावती ने ट्वीट किया है कि संकीर्ण राजनीति और चुनावी स्वार्थ हेतु नए नए विवाद खड़े करके जातीय और धार्मिक द्वेष, उन्माद, उत्तेजना और नफरत फैलाना, बॉयकॉट कल्चर, धर्मांतरण को लेकर उग्रता आदि बीजेपी की राजनीतिक पहचान सर्वविदित है, किंतु रामचरितमानस की आड़ में सपा का वही राजनीतिक रंग रूप दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण। अगले ट्वीट में मायावती ने लिखा कि रामचरितमानस के विरुद्ध सपा नेता की टिप्पणी पर उठे विवाद और उस पर फिर से लेकर बीजेपी की प्रतिक्रियाओं के बावजूद सपा नेतृत्व की चुप्पी से स्पष्ट है कि इसमें दोनों पार्टियों की मिली भगत है, ताकि आगामी चुनावों को जनता के ज्वलंत मुद्दों के बजाय हिंदू मुस्लिम करके वोटों का ध्रुवीकरण किया जा सके। अपने तीसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के हुए पिछले आम चुनाव को भी सपा बीजेपी ने षड्यंत्र के तहत मिली भगत करके धार्मिक उन्माद के जरिए घोर सांप्रदायिक बनाकर एक दूसरे के पूरक के रूप में काम किया, जिससे ही बीजेपी दोबारा से यहां सत्ता में आ गई। ऐसी घृणित राजनीति का शिकार होने से बचना जरूरी। वहीं मायावती के एक के बाद एक किए गए तीन ट्वीट पर समाजवादी पार्टी ने पलटवार किया। सपा प्रवक्ता फखरुल हसन ने कहा कि मायावती को समाजवादी पार्टी पर बोलने के लिए बहाना चाहिए होता है। देखिए, समाजवादी पार्टी ने पहले ही इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान है वो उनका निजी बयान है, समाजवादी पार्टी का उस बयान से कोई लेना देना नहीं। लेकिन मायावती जी बहाने ढूंढती हैं समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोलने के लिए। मायावती जी तब खामोश थी जब संजय निषाद ने भगवान राम के खिलाफ बयान दिया था। मायावती जी तब भी खामोश थी जब उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम ने माता सीता को लेकर बयान दिया था। और मायावती जी आज भी खामोश हैं जब आदरणीय अखिलेश यादव जी मंदिर जाते हैं पूजा करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी उनको रोकने का काम करती है। मायावती जी को बहाने चाहिए भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने के लिए। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी की तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी सामने आ गई। अखिलेश ने इस विवाद पर खुलकर प्रतिक्रिया तो नहीं दी, लेकिन कार्रवाई की मांग के बीच संगठन ने उनका ओहदा बढ़ाकर अपने रुख को इशारों के जरिए साफ कर दिया। ऐसे में अब सपा खुलकर इस विवाद पर बीजेपी से दो दो हाथ करने की तैयारी में है, तो मायावती के बयान ने सूबे का सियासी पारा और बढ़ा दिया है।